Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash sir, daily after class interaction with students. Clear their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather, right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjansar for sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice. and subscribe our courses for sociology optional sa ethics and csat नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक सिंह है यूपी पीसीएस 2023 में 20वीं रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है 2018 से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एजा अच्छी काम कर रहा था और 2023 में साढे 5.5 साल की अथक मेहनत के बाद मेरा सिलेक्शन एज ए डिप्टी कलेक्टर हुआ है अब वो एस्पायरेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वास्तव में रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे हमें उतना टाइम ना लगे और समय पर हमें सफलता मिल जाए तो मैं अब उन चीज़ों को आपके सामने रखूँगा जो गलतियाँ इस पैरेंट करते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं एक मेधावी छात्र रहा हूँ बचपन से लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है तो आप मेधावी छात्र होते हुए भी आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस में मैंने जो गलतियाँ की वो गलतियाँ आप ना करें मैं आपको ये चीज़ बता दूँ दो 2019 से मैं यू पी का पेपर दे रहा हूँ 2019-20 में मैं इतना सीरियस नहीं था यू पी के लिए उसका रीजन य ये, ये था कि 2018 में मेरी नौकरी यूपी यूपी पुलिस में लगी उसके बाद छः महीने का ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि आपको काम सीखना पड़ता है उसका रीज़न क्या है कि अगर सरकार ने आपकी नियुक्ति या आपका अपॉइंटमेंट किया है तो पद की कुछ नैतिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और आप उस चीज़ से हट दूर नहीं हो सकते हैं तो मेरा क्या था शुरू में काम सीखने के लिए मैं पढ़ाई पर कम फोकस करता था और काम सीखना जरूरी भी था क्योंकि आप यूपी पुलिस जैसे सेवा में हैं तो आपको काम आना ही चाहिए 2019-20 मैंने प्री दिया लेकिन मेरा प्री नहीं हुआ फिर मैं कोरोना के बाद मैं सीरियस हुआ सीरियस इन सेंस में हुआ क्योंकि जो जब वहाँ की हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मेरी तैनाती थी तो वहाँ के डी सर एस सर सी मैम उस टाइम थी तो उनकी कार्यशैली को देख के मैं बहुत प्रेरित हुआ कि कैसे लोग उनको भगवान मानते हैं कि हमारा एक उद्धार कर लेंगे इस सेंस में उन्हें भगवान के श्रेणी में रखते थे तो मैं सीरियस हुआ 2021 से फिर मेरा 2021 हज़ार में प्री नहीं हुआ दुर्भाग्य से मेरा प्री नहीं हुआ मैंने मेहनत की थी अब आपको जानना ये जरूरी है कि मेधावी छात्र होते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय से का टॉपर होते हुए भी मुझे असफलताएँ क्यों मिली तो वो गलतियां आप ना करें जो गलतियां मैंने की मैंने क्या क्या गलतियां की और आपको नहीं करनी है सबसे पहली गलती कि मैंने शुरुआत के दो अटेम्प्ट में सिलेबस देखा ही नहीं कि यूपी पी का सिलेबस क्या होता है तो आपको ये नहीं करना है आपको सबसे पहले तैयारी के दौरान आते ही आते, आते आपको सिलेबस देखना है मैंने दूसरी गलती क्या कर दी मैंने पीवाई सही से देखा नहीं आपको यह गलती नहीं करनी है आपको पी सही से एनालिसिस करना है चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो सिलेबस दोनों का चाहे प्री का हो मेंस का हो तीसरी चीज़ मैंने गलती क्या कर दी मैं केवल पीवाई तीसरे अटैम्प्ट मैंने कुल पाँच साल का पी क्यू किया फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आपको क्या करना है आपको स्टेटिक पोर्शन का 25 साल का पी वाई क्यू यू पी में देखना ही देखना है उसका रीजन क्या है आपको मैंने पर, मैं बता दूं कि पी क्यू से अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं पी क्यू से नहीं आएंगे तो उसके एक्सप्लेन सेक्शन से आएंगे एक्सप्लेन सेक्शन से नहीं आएंगे तो उसके विकल्प का ही नया क्वेश्चन बना देते हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है तीसरी गलती मैंने क्या कर दी मैं पढ़ता बहुत था रिवीजन नहीं करता था तो आपको ये नहीं करना है आप कोशिश करिए वीकली उस चीज़ का रिवीजन करिए जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं चौथी गलती मैंने क्या क्या की चौथी गलती मैंने ये कर दी कि मैं लेक्चर सुनता रहता था उसके नोट्स नहीं बनाता था यूट्यूब पर लेक्चर सुन लिया नोट्स नहीं बनाया तो आपको क्या करना है जो चीज़ आप पढ़ें उसके शॉर्ट नोट्स आप बनाएं ये मैंने चार गलतियाँ की जिसके कारण मुझे सीरियसली मेरा तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है लेकिन मैं पेपर आपको बता दूं मैं 2019 से दे रहा हूं फिर मेरा सिलेक्शन 2023 में पहली बार में क्यों हो गया इसके पीछे भी एक कारण रहा होगा फिर जितनी भी गलतियाँ मैंने चार चार सालों में की और दो सीरियस अटेम्प्ट मैंने की वो गलतियाँ मैंने 2023 में नहीं दोहराई मैंने प्रॉपर सिलेबस देखा मैंने प्रॉपर पी देखा और मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए और उसका रिविजन किया ये मेरी स्ट्रेटजी थी जिससे मैं दो में एज डिप्टी कलेक्टर चुना गया अब एस्पायरेंट गलतियाँ क्या करते हैं एस्पायरेंट एक गलती और करते हैं कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है मैं आपको बता दूं चार असफलताएं झेलने के बाद दो में जब मेरा प्री एक नंबर से हुआ तो मेरा यह हुआ कि अब तैयारी क्या करें कुछ हो नहीं रहा है इतना मेहनत भी कर, कर कर ले रहे हैं तो आपको वो फेज से आप भी गुजर रहे होंगे बहुत से एस्पायरेंट गुजर रहे होंगे और भविष्य में मैं आपको एक बता दूं अगर डाउन फेज आए ना तो थोड़ा हिम्मत रखिएगा वो डाउन फेज ही आपको उबारेगा क्योंकि सबसे लो पॉइंट जो अब आता है ना तो आदमी वहीं से उठता है मेरा भी लो पॉइंट आया मिड दो में कुछ घर की आर्थिक परिस्थितियाँ थी फिर कुछ चीज़ें अपना सिलेक्शन नहीं हो रहा था प्री एक नंबर से रुक गया तो मैं ना मैं एक आज चीज़ बता दूं मैं एक दो महीने एनजाइटी का भी सिखा रहा हूं डिप्रेशन मैंने काउंसलिंग वाउंसलिंग ली 2022 में तो वो चीज़ें प्रभावित करती हैं लोगों को लेकिन ये हमारी ज़िंदगी है अगर हम आप उसी में फंसे रहे फिर हम क्या अगर मैं उसी में फंसा रहता तो इतने बड़े मंच में मैं आपके सामने आपको मोटिवेट ना कर रहा होता तो जो चीज़ आपके अंदर है उस चीज़ को आप निकालिए आपकी ज़िंदगी है आप आगे बढ़िए और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य पे आप आज से ही लग जाए विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए 17 मार्च को अभी प्री का पेपर है यूपी प्री का तो जो गलतियां मैंने की वो नहीं करना है और इन बचे हुए दिनों में आपको क्या करना चाहिए मैं दो मिनट उस पर भी बता दूंगा कि वर्तमान समय में आप क्या करिए जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं आप उसका मल्टीपल रिविजन करिए दूसरी चीज क्या है जो आपने टेस्ट सीरीज लगाई है प्री की उसका बार बार रिवीजन करिए तीसरी चीज क्या है पीवाईक्यू आप फिर से एक बार देख लीजिए घटना चक्र की जो भी किताब है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हो आप उसको देख लीजिए ये चार चीजें हैं जो आपको करने करने हैं फिर एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है दो घंटे आपको आराम से बैठना है आपको बिल्कुल काम रहना है काम इन द सेंस कि आपने जो एक डेढ़ दो, दो साल की मेहनत की है ना वो दो घंटे में आपका रिजल्ट देगा तो आपको क्या करना है जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन करिए और साथ ही साथ में आप गोला भरते रहिए और कोशिश करिए ना पेपर दो से तीन रीडिंग में करिए पहली रीडिंग में साठ से सत्तर क्वेश्चन करिए दूसरी रीडिंग में पंद्रह बीस क्वेश्चन करिए और लास्ट रीडिंग में पंद्रह से बीस क्वेश्चन करिए टोटल आपको वन ट्वेंटी प्लस क्वेश्चन करने करने हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक सौ दस क्वेश्चन नहीं करने हैं अगर आपका आ रहा है आपकी इफिशियंसी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप एक क्वेश्चन करेंगे मैं दो में मैं आपको बता दूँ जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है मैंने एक क्वेश्चन टोटल किए थे और मेरा 105 क्वेश्चन सही था नेट मेरा 97 90 96 नाइन्टी सेवन क्वेश्चन सही था तो आप ये चीज़ कर सकते हैं फ्री के टाइम सी साइड के मैं थोड़ी स्ट्रेटजी बता दूँ सी साइड के लिए आप मैंने क्या किया था मैंने के लिए पी को बेस बनाया था क्योंकि मेरा पी बैकग्राउंड था तो मेरा मैथ और फिज मैथ और रीजनिंग अच्छी थी मैंने हिंदी के लिए बाकायदा पी वाई देख के आधार बनाया था और कम्युनिकेशन का अगर आपको यूट्यूब पर कोई अच्छा चैनल है एक एक जय हो स्टडी करके सर का चैनल है उत्कर्ष सर सर का तो मैंने वहाँ का कम्युनिकेशन का उनका एक वो पढ़ा था मैराथन मैराथन वीडियो पढ़ा था तो मैंने वो देख लिया था उसमें पी वाई प्लस एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज वो थी जानकारियाँ थी तो मैंने उसको दो तीन चार बार में किया था तो सीसाइड के लिए मैंने ये चीज़ की थी हाँ और चीज़ एक बता दूँ जितने भी नौकरी पेशा वाले इंसान मतलब अभ्यर्थी हैं मैं उनके बारे में बता दूँ जिस नौकरी में आप हैं तो कृपया करके आप नौकरी ना छोड़ें मैं भी कॉन्स्टेबल रहते हुए ही तैयारी किया हूँ उसका रीज़न क्या है देखो यूपी पी सी पी एस का नेचर बिल्कुल अनिश्चितताओं वाला नेचर होता है आपको नहीं पता कि आप किस स्टेज से बाहर हो जाए किस स्टेज पर आपका सिलेक्शन हो जाए क्योंकि साढ़े चार पाँच लाख लड़के फॉर्म डालते हैं फाइनली सिलेक्शन दो हज़ार में दो लड़कों का हुआ तो आप देखिए सिलेक्शन रेट जीरो पॉइंट कुछ परसेंट से भी नीचे है तो नौकरी करते रहिए नौकरी के साथ आप तैयारी करते रहिए हाँ आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और आप किसी कारणवश नौकरी कर रहे हैं तो अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो आपका जीवन है आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन मेरे मेरे बैकग्राउंड जैसे मैं लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था मेरे पापा किसान थे तो मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं नौकरी छोड़ के तैयारी कर सकूं तो मैं नौकरी में रहते हुए मैंने तैयारी की तो आपसे एक गुजारिश है कि, कि किसी का देख ही देखा आप नौकरी मत छोड़ें नौकरी के साथ अपनी तैयारी करते रहें जितने भी नौकरी पेशा वाले इंसान हैं क्योंकि उनके पास सिलेक्शन का रेट चांसेस ज़्यादा है किस लिए ज़्यादा है कि जिसके पास 24 घंटे होते हैं कभी कभी वो आल आलसपन कर जाता है कि मेरे पास 24 घंटे मैं पढ़ लूंगा कभी पढ़ लूंगा लेकिन जो नौकरी पैसे वाले इंसान है जैसे मैं था मैंने आठ घंटे की नौकरी नो, करके मेरे पास जितना भी टाइम रहता था मैंने उसका यूटिलाइजेशन सही से किया तो आपके लिए गोल्डन चांस है और आप जब नौकरी में होते हैं ना तो आपका जो एटीट्यूड है ना वो बड़ा अच्छा होता है इंटरव्यू में वो चीज़ें काम आती हैं दो दो सौ इक्यावन लड़कों का सिलेक्शन जो यू में हुआ है उसमें आप देखोगे तो आधे से ज़्यादा लड़के किसी ना किसी जॉब में पहले से सलेक्टेड थे तो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपका पहले से आप आपके पास देखिए खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास पहले से कुछ है बस क्या करना है आपको अच्छी सी फिनिशिंग दे आपको जिस चीज पे है उससे थोड़ा छलांग मारनी है जैसे मैं सीधा कांस्टेबल से एसडीएम की छलांग मारा हूं लेकिन मैंने कांस्टेबल की नौकरी नहीं छोड़ी तो मैं यही आपसे बोलूंगा कि जिस व्यवसाय में आप हो जिस नौकरी में आप हो आप वहां रहते हुए थोड़ा काम बनाए रखिए तैयारी करते रहिए हाँ सही से तैयारी करिए इसलिए तैयारी नहीं करनी है किसी को दिखाना है तैयारी आपकी ज़िंदगी है आप ही उसे बेहतर बना सकते हैं एक मैं अब आपसे एक चीज़ और बता दूं थोड़ा अगर जिन जिनका नहीं हुआ बहुत मेहनत किया उन्होंने नहीं हुआ यूपीपीएससी में उनकी उम्र निकल गई यूपीपीएससी में किसी कारण नहीं हुआ प्री नहीं हुआ इंटरव्यू नहीं हुआ मेंस नहीं हुआ तो मैं एक चीज़ बता दूँ ना जिंदगी बहुत बड़ी है अगर आपने मैं आपको बताऊँ अगर आपने सही से तैयारी की है तो आप किसी न किसी फील्ड में अच्छी चीज़ करेंगे ही करेंगे यूपी पी यूपीएससी केवल हमारी ज़िंदगी का एक माध्यम है हमारी ज़िंदगी नहीं है तो आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिए कि नहीं हुआ है तो कुछ नहीं होगा ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है एक फेमस कवि का या फिर शायर की एक लाइन है कि एक बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा तो मैं इन्हीं लाइनों के साथ आपसे यही बोलूंगा कि जिंदगी आपकी बहुत बड़ी है यूपीएससी में नहीं होता है दुर्भाग्य से नहीं होता है तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे तो मैं नीरोत्तम लाल जी जिसकी मैंने मैंने एक, एक किताब पढ़ी थी उसमें उन्होंने यही बोला था कि एक छात्र नहीं सफल होता है बाद में वो बहुत बड़ा नेता बनता है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं अगर आपने सही से शिद्दत से पढ़ाई की है दुर्भाग्य से कभी कभी संयोग नहीं होता है किस्मत साथ नहीं देती है कुछ लूप फोल्स रह जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी है दोस्त आगे बढ़ते रहिए खुश रहिए मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है एस दीपक सिंह नाम से यूट्यूब का चैनल है मैं भविष्य में वहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बताता रहूँगा धन्यवाद